चेतक घोड़े के अलावा एक और पशु था जो चेतक के समान ही वीर था और उसकी स्वामी भक्ति भी वैसी ही थी। पर इतिहास में उरेखे गए इस नाम पर हमने अनदेखी की धूल की मोटी चादर से ढक दिया था। हम उस चादर को पोछते हैं तो हमें वह ऐतिहासिक नाम प्राप्त होता है, वह है महाराणा प्रताप का गज रामप्रसाद। पर मेवाड़ और मुगल के बीच युद्ध चल रहा था, उसके बाद मेवाड़ की ओर से रामप्रसाद नाम के हाथी को उतारा गया। यह मेवाड़ का सर्वश्रेष्ठ हाथी था। यह मुगल सैनिकों को कुचलने लगा जिससे उनकी सेना में हड़कंप हो गया। रामप्रसाद के विरुद्ध में मुगल सेना ने फिर अपना रणमदार नाम के हाथी को उतारा। युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब रामप्रसाद मुगल के हाथी पर भारी पड़ रहा था, पर इसी समय इसके महावत को एक तीर लग गया और वह शहीद हो गया। रामप्रसाद फिर भी नहीं रुका, वह निरंतर मुगल सेना को कुचलते हुए नाश कर रहा था। मुगल हाथी के सेनापति हुसैन खां अवसर पाकर रामप्रसाद पर चढ़ गया और उसे नियंत्रित करके मुगल खेमे में ले गया। इसके बाद रामप्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया गया। अपने स्वामी और स्वदेश से दूर जाना रामप्रसाद के लिए हृदय विदारक था। उसने इस शोक में अन्न जल त्याग कर दिया और युवा अवस्था में यह बलशाली और पराक्रमी जीव स्वामी भक्ति की वेदना में मृत्यु को समर्पित हो गया।